और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, आरक्षण पर बोले हैं मोहन भागवत, आरएसएस आरक्षण का समर्थन करती है, झूठे वीडियो प्रसारित कर रहे हैं कुछ लोग, संविधान के अनुसार आरक्षण का समर्थन है, ये बड़ी खबर आपको बता दें। मोहन भागवत जिन्होंने बड़ी बात की है आरक्षण को लेकर, आरक्षण पर उन्होंने बोला है कि आरएसएस इसका समर्थन करती है, झूठे वीडियो है जिनको प्रसारित किया जा रहा है, संविधान के अनुसार आरक्षण का समर्थन है। कल तो मैंने सुना एक वीडियो घूम रहा है कि संघ वाले बाहर से तो बात ही अच्छे करके अंदर जाके कहते आरक्षण का हमारा विरोध है, बाहर हम बोल नहीं सकते। अभी एकदम असत्य बात है, गलत बात है। जब से आरक्षण आया है तब से संविधान सम्मत सारे आरक्षण को संघ पूर्ण समर्थन देता है और संघ ये कहता है कि आरक्षण जिनके लिए है उनको जब तक आवश्यक लगेगा या सामाजिक कारणों से दिया गया है, वो भेदभाव जब तक है तब तक ये आरक्षण जारी रहना चाहिए। तो संघ प्रमुख मोहन भागवत ने आरक्षण पर संघ का रुख साफ किया, तो बीजेपी का रुख साफ करने के लिए एक बार फिर गृह मंत्री अमित शाह आए और कहा कि आरक्षण को लेकर विपक्ष फैला रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस तो खुद ओबीसी एससी एसटी की विरोधी रही है और बीजेपी ने ओबीसी एससी एसटी के लिए काम किया। आरक्षण पर शाह का बयान, आरक्षण पर भ्रम फैलाया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, मोदी की गारंटी है कि आरक्षण खत्म नहीं होगा। आरक्षण में कर्नाटका का जिक्र करके कहा कि कर्नाटक में आरक्षण पर डाका डाला कांग्रेस ने। झूठ फैला रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाजपा को 400 सीटें दी तो भाजपा आरक्षण हटा देंगे। ए राहुल बाबा में समझ नहीं है भैया, आरक्षण हटाने के लिए पूर्ण बहुमत दो टर्म से भाजपा के पास है, नरेंद्र मोदी के पास है, परंतु नरेंद्र मोदी जो है वो आरक्षण के समर्थक है। मैं आज मोदी गारंटी कहकर जाता हूं, एससी एसटी और पिछड़ा वर्ग का आरक्षण ना भाजपा हटाएगी ना किसी को हटाने देगी, ये मोदी का गारंटी है। भाई और बहनों, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार आई, 5% आरक्षण मुसलमानों को दिया। हैदराबाद में कांग्रेस की सरकार थी, 5% आरक्षण मुसलमानों को दिया। किसका कटा, जरा जोर से बोलो, किसका कटा? ओबीसी का कटा, पिछड़े वर्ग का कटा। राहुल बाबा झूठ मत बोलो, पिछड़े वर्ग के आरक्षण को कम करने का काम अगर किसी ने किया है तो ये कांग्रेस पार्टी ने किया है। और अब बात करेंगे मंडी लोकसभा क्षेत्र की, जहां से प्रत्याशी हैं बीजेपी की तरफ से कंगना रनौत, तो दूसरी तरफ है कांग्रेस की तरफ से विक्रमादित्य सिंह। कंगना रनौत ने विक्रमादित्य सिंह पर करारा वार किया है और कहा है कि एक शहजादे हिमाचल में भी मिलते हैं जो अपने घर से कभी भी बाहर नहीं निकलते हैं। इतना ही नहीं, कंगना ने आगे कहा है कि अपने महल से तो कभी निकलते नहीं है, गरीबी उन्होंने देखी नहीं, और साथ ही ये भी स्पष्ट कर दिया है कि वो वहां दौलत शौहरत के लिए नहीं गई है, बल्कि उनका कहना है कि मैं जनता की सेवा के लिए आई हूँ। जैसे कि शहजादे हम देखते हैं, एक दिल्ली में है शहजादे, बहुत बड़े माता पिता की संतान, और फिर हम देखते हैं उत्तर प्रदेश में भी एक और जुड़े हुए शहजादे, और हमारे हिमाचल में भी एक ऐसे शहजादे हमें देखने को मिलते हैं जो कि कभी अपने महलों से उतर के देखें तो पता चलेगा कि गरीबी क्या होती है और गरीब की क्या मजबूरियां होती हैं और क्या होता है अपने प्रदेश के प्रति, अपने मातृभूमि के प्रति कोई स्नेह कोई प्यार। आज मुझे कोई दौलत कोई शोहरत कोई मीडिया की अटेंशन कोई काम की कमी यहाँ खींच कर लेकर नहीं आई है। तो जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है, हिमाचल की वादियों में सियासी पारा बढ़ता जा रहा है। अब बात पवित्र और अपवित्र पर आ गई है। कांग्रेस नेता विक्रमादित्य की अपवित्र वाली टिप्पणी पर बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत ने जोरदार हमला बोला है। ये स्पेशल रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सब
पुरुषों को जो आज आपकी बहन को कहते हैं तू अपवित्र है, तू चली जा यहाँ से, आपको मजा चखाना है। कभी महिला विरोधी बयान तो कभी पहनावे पर सवाल, कभी खान पान पर झूठा नैरेटिव तो कभी सनातन पर वार। हिमाचल में भारी बर्फबारी के बीच सियासी पारा चढ़ा हुआ है। जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, राजनीतिक कटाक्ष अब निजी हमले में बदल गए हैं। हार के डर से बौखलाए एक के बाद एक कांग्रेसी नेता निजी हमले करने लगे हैं। कांग्रेस नेता और मंडी से उम्मीदवार विक्रमादित्य लगातार पर्सनल अटैक कर रहे हैं, जिस पर बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत भी जमकर जवाब दे रही हैं। यानी हिमाचल में वार पलटवार तेज हो गया है। मंडी से बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत ने अपने प्रतिद्वंदी विक्रमादित्य सिंह पर जमकर हमला बोला और आरोप लगाया कि हिमाचल के शहजादे ने उन्हें अपवित्र कहा है, जिसका जवाब हिमाचल की जनता देगी। इस तरह की बातें सुनकर किसका दिल नहीं दहल जाएगा। और अब उसके बाद मुझे कहा गया कि तू अपवित्र है, फिल्म इंडस्ट्री में काम करके आई है, जा तू पहले पवित्र हो के आ। किसी कलाकार के बारे में इतनी नीच सोच रखना, किसी बहन के बारे में जिसने संघर्ष करके ना कि सिर्फ अपने परिवार के लिए रोजी रोटी कमाई, भाई बहनों को पढ़ाया। मेरी बहन पे एक्सीडेंट में एसिड अटैक हुआ था, उनका इलाज करवाया, ना कि सिर्फ इतना ही किया जबकि पूरे प्रदेश को जो है पूरे देश में सम्मान दिलाया। इस तरह की बातें मेरे बारे में करते हैं कि तू पवित्र होकर आ। जो आज आपकी बहन को कहते हैं तू अपवित्र है, तू चली जा यहाँ से, आपको मजा चखाना है। कंगना रनौत ने अमीर और गरीब का मामला उठाकर भी कांग्रेस पार्टी के साथ साथ विक्रमादित्य पर तंज कसा और कहा कि अमीर घराने के लोगों को गरीबों के विकास होने से परेशानी होती है। जाहिर है हमें पता चलता है कि महिलाओं की क्या दशा है इस वक्त। दोस्तों, एक तरफ ये कांग्रेस के लोग हैं जो इस तरह की बातें करते हैं क्योंकि ये अमीर घरों के बच्चे हैं, ये हर तरह की सुख सुविधाओं में पले बड़े हैं। मंडी से बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत यहीं नहीं रुकी, उन्होंने पहनावे को लेकर भी कांग्रेस पार्टी को घेरा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को उनके पहनावे से दिक्कत है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के नेताओं को तो उनका सांस लेना भी खटक रहा है। दरअसल कुछ दिन पहले ही कांग्रेस ने कंगना के कपड़ों पर अभद्र टिप्पणी की थी। यहाँ तक कि मैं कोई ड्रेस पहन लूं किसी क्षेत्र की, उसको लेकर भी मुझ पर टिप्पणियां हो रही हैं, अभद्र बातें हो रही हैं कि जैसे फिल्म की वो शूटिंग कर रही है। ये बात भी मेरी इनके आंखों में खटक रही है, हर बात जैसे मेरी इनकी आंखों में खटकती है। मेरा तो मात्र सांस लेना ही इनकी आंखों में खटक रहा है। ये पहली बार नहीं है जब कंगना रनौत पर व्यक्तिगत टिप्पणी की गई हो। इससे पहले विक्रमादित्य सिंह ने बीफ खाने को लेकर भी बीजेपी और कंगना पर तीखा हमला बोला था, जिस पर कंगना ने मनाली में जोरदार जवाब दिया था। हिमाचल की मंडी सीट पर मतदान 1 जून को होना है, लेकिन इस हॉट सीट पर पारा अभी से चढ़ा हुआ है, क्योंकि एक तरफ बॉलीवुड की क्वीन कंगना रनौत है जो विक्रमादित्य सिंह को ईंट का जवाब पत्थर से दे रही है। जुबानी जंग में कोई भी भारी हो, लेकिन लोकसभा चुनाव में कौन बाजी मारेगा इसका फैसला तो 4 जून को होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और हिमाचल के बाद अब बात उत्तर प्रदेश की। सवाल ये कि क्या बाहुबली और पूर्व सांसद धनंजय सिंह के बाहर आने से जौनपुर का सियासी गणित बदल जाएगा? आखिर क्यों धनंजय के बाहर आने से एनडीए और इंडी गठबंधन में खलबली मच गई है, इस खास रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। दो चरणों से बिल्कुल शांत दिख रही यूपी की सियासी तपेश एकदम से बढ़ गई है। वोटिंग से करीब 1 महीने पहले जौनपुर लोकसभा सीट का चुनावी समीकरण बदलने की हवा चल पड़ी है। वजह है बाहुबली और पूर्व सांसद धनंजय सिंह की जेल से रिहाई। अपहरण केस में धनंजय सिंह को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जमानत दी तो पूर्वांचल के राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा हो गई। एनडीए के साथ ही इंडी गठबंधन की भी धड़कनें तेज हो गई, क्योंकि अभी तक जौनपुर से जहां बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच मुकाबला दिख रहा था, धनंजय सिंह के बाहर आने के बाद मुकाबला रोमांचक हो चुका है। आखिर धनंजय सिंह की रिहाई से पार्टियों में टेंशन क्यों पड़ गई है, आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए। धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला को बीएसपी ने जौनपुर से मैदान में उतारा है। धनंजय सिंह के बाहर आने से इसका सीधा फायदा उनकी पत्नी को होगा।
अब तक जेल में बंद बाहुबली अब पत्नी श्रीकला के समर्थन में वोट जुटा पाएंगे। इतना ही नहीं, 22 साल से राजनीति में सक्रिय धनंजय सिंह के समर्थक हर जगह मौजूद हैं, जो हमेशा धनंजय के साथ मजबूती के साथ खड़े नजर आते रहे हैं। अब धनंजय के बाहर आने के बाद वो चुनाव में लगेंगे और जिताने की रणनीति पर काम करते नजर आएंगे। जौनपुर सीट पर बीजेपी से लेकर समाजवादी पार्टी के दिग्गज किस्मत आजमा चुके हैं और इसी वजह से यूपी की राजनीति में ये सीट काफी मायने रखती है। लेकिन अब ये मुकाबला दिलचस्प हो गया है। बीएसपी जीत को लेकर आश्वस्त है तो एनडीए की टेंशन बढ़ गई है। इसके पीछे का कारण है कि बीजेपी ने महाराष्ट्र के नेता कृपा शंकर सिंह को जौनपुर लोकसभा सीट से टिकट दिया है। अभी तक जौनपुर के चुनावी मैदान में कृपा शंकर सिंह मजबूत माने जा रहे थे, लेकिन धनंजय की एंट्री से समीकरण गड़बड़ा रहे हैं। राजनीतिक पंडित ये भी दावा कर रहे हैं कि धनंजय की चुनावी मैदान में एंट्री पासा पलट सकती है। एनडीए की तरफ पीडीए का नारा बुलंद करने वाले अखिलेश की हवाइयां उड़ी हुई हैं, क्योंकि सपा ने बाहरी उम्मीदवार बाबू सिंह कुशवाहा को मैदान में उतारा है। बाहरी कैंडिडेट की वजह से कहीं न कहीं पार्टी में पहले से ही विरोध है, तो जौनपुर की जनता के बीच भी कोई जगह नहीं है और इसका फायदा धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला को मिल सकता है। इधर एनडीए और इंडी के उम्मीदवारों में डर है, तो एक डर धनंजय सिंह की पत्नी और बीएसपी उम्मीदवार श्रीकला ने भी जताया है। श्रीकला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव को धर्म युद्ध बताया तो अपने पति की हत्या होने का भी डर दिखाया। लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं है, अब ये लड़ाई जौनपुर के हर एक व्यक्ति को लड़नी है। ये लड़ाई किसी एक जाति या धर्म की नहीं है, ये लड़ाई होगी अपने बहू के सिंदूर और मंगलसूत्र को बचाने की, आपके अपने बेटे के जान को बचाने की, जौनपुर का सम्मान को बचाने की। आप सबके सामने मैं अपना आंचल फैलाकर हूँ कि अपना प्यार आशीर्वाद और साथ मेरी झोली में डाल दीजिए, ताकि संकट की इस घड़ी में मुझे ताकत मिल सकते और मैं आपके बेटे और अपने सुहाग की रक्षा कर सकती हूँ। पूर्वांचल के माफिया से राजनेता बने धनंजय सिंह के बाहर आने से बीएसपी की जीत का दावा किया जा रहा है, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि जौनपुर की सीट पर राजपूतों का दबदबा रहा है। पिछले 17 चुनावों में 11 बार राजपूत उम्मीदवार ही जीता है। जौनपुर में राजपूतों की आबादी 13.30% है। धनंजय सिंह की राजपूत मतदाताओं पर अच्छी पकड़ है, तो वहीं बीजेपी के कृपा शंकर सिंह बीजेपी की ताकत हैं। अब श्रीकला के चुनाव मैदान में आने के बाद ठाकुरों के वोट बैंक में बंटवारा होगा, जिससे कहीं न कहीं श्रीकला को नुकसान हो सकता है। जो चुनाव अब तक शांत दिख रहा था वो अब रोमांचक दिख रहा है, लेकिन किसकी जीत होगी और किसकी हार, इसका फैसला 4 जून को होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।